दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए आज का दिन सबसे बुरा दिन माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन 21 जनवरी को होता है और आज 17 जनवरी को खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत के जो डॉग फज थे वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। वही डॉग जिनके साथ सुशांत खेला करते थे अक्सर, वही डॉग जो सुशांत के जाने के बाद खुद उदास हो गए थे, वही डॉग जो सुशांत के जाने के बाद उनकी फोटो के सामने बैठकर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर अब कहा जा रहा है कि वो भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल रात को सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी एक ट्वीट करती हैं, जिस ट्वीट में ये लिखा होता है कि फज हमारे बीच नहीं रहा और हम भी जल्दी आएंगे तुम्हारे पास, पर कहीं ना कहीं सुशांत के पास फज जा चुका है और सुशांत का सबसे प्यारा डॉग था फज, जो हम आज तक देखते आए हैं। एक फज ही था जिसके साथ सुशांत मुंबई में रहते थे, एक फज ही था जो सुशांत के लिए सबसे वफादार था, एक फज ही था जिसने सुशांत सिंह राजपूत को आज तक धोखा नहीं दिया, वरना सुशांत के साथ रहने वाले हर वो शख्स ने सुशांत को धोखा दिया जिनका नाम सीबीआई ने लिया, एनसीबी ने लिया, ईडी ने लिया और ख़ास करके उनके साथ रहने वाले लोगों ने उनका पैसा तक लूट लिया। पर एक फज थे जो सुशांत के साथ हर सिचुएशन में थे, पर आखिरकार सुशांत के जन्मदिन से 4 दिन पहले ही हमको ये खबर मिलती है कि फज हमारे बीच नहीं रहा। सोचिए ये खबर उनके परिवार के लिए कैसी होगी, क्योंकि 4 दिन बाद सुशांत का बर्थडे, सुशांत मंथ चल रहा है और अब खबर निकल के आती है कि फज भी हमारे बीच नहीं रहा। वहीं पर सुशांत केस में अगर बात करें तो आज भी एक केस पेंडिंग है और इस केस में अभी हाल ही में कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर जिन्होंने पीएम किया था, उनका दावा था, जिनका नाम रूप कुमार शॉ था, कि ये सिंपल केस नहीं है, ये क्लियर कट एक ऐसा केस है जिसमें सुशांत के साथ गलत किया गया है और ये करने वाले कुछ और लोग हैं, क्योंकि सुशांत के शरीर पे चोटों के निशान हैं, पैर की हड्डी टूटी है। ये दावे जब किए रूप कुमार शॉ ने, उसके बाद सवाल उठा कि आखिरकार क्या सीबीआई ने जाँच सही से नहीं करी। सवाल ये भी उठा कि डॉक्टरों को अगर ये पता था तो किसके दबाव में जाँच हो रही थी, और अगर डॉक्टरों को ये सब पता था तो किसके दबाव में पीएम किया गया। कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल उठ गए जब से रूप कुमार शौजी निकल के आए, और फिर भी अगर हम देखें तो इस मामले में दोबारा से कुछ भी चीज़ें निकल के ना आना ये सवाल उठाती हैं कि आखिरकार इस मामले में क्या राजनीति ही चलती रहेगी, क्या ऐसे ही चलता रहेगा कि एक साल के बाद एक खबर निकल के आएगी और एक हफ्ता उसमें चर्चा होगी, उसके बाद सब गायब हो जाएंगे। और वहीं पर इस मामले का सच कब बाहर आएगा, कब नहीं आएगा, ये लोग नहीं जानते। पर अगर बात करें तो इस मामले में कई ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी जो सुशांत के फैंस धीरे धीरे बाहर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ट्विटर पे आप देखेंगे तो लगातार आज भी कई ऐसे सबूत उनके फैंस रख रहे हैं, जो देखने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ऐसा ही हुआ होगा तो कैसे सुशांत सिंह राजपूत का दिन रहा होगा, 14 जून या फिर 13 की रात का दिन, कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ उस दिन जो आज तक सच बाहर नहीं निकल के आ रहा है। और वो खबर सच कब आएगा, बाहर कब नहीं आएगा, ये तो नहीं पता, पर वो खबर आने से पहले ही ये पता लग जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के डॉग, उनके फज, वो भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुख लगता है, क्योंकि एक खुद वो इंसान जो सुशांत के साथ रहता था मुंबई में, उनके साथ, वो सुशांत को धोखा दे सकता है, पर फज ने कभी धोखा नहीं दिया। सोचिए, फज न धोखा देने वाला शख्स, सुशांत के जाने के बाद उनके पिता फज को अपने साथ पटना ले गए थे, जिसके बाद फज कहा जाता है कि पटना में ही रहने लग गया था, पर अब खबर निकल के जैसे ही आई फज को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक झटका लगा कि आखिरकार इंसान अगर चला जाए तो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, पर एक जानवर हमेशा वफादार रहता है। और अगर वो जानवर डॉग हो तो हमेशा, अगर आप डॉग को जितना प्यार करोगे वो आपके साथ उतना ही वफादारी से निभाएगा। और फज जैसे सुशांत खेलते थे, सुशांत और फज की जो जोड़ी थी ये लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। आज ज़रूर फज सुशांत सिंह राजपूत के पास पहुंच गया है, पर कहीं ना कहीं हम उम्मीद यही करेंगे कि फज जहां रहे खुश रहे और हमेशा सुशांत के साथ रहे, क्योंकि सुशांत और फज की जो जोड़ी थी वो डेफिनेटली काबिले तारीफ जोड़ी थी। सुशांत के जाने के बाद कई वीडियोस निकल के आई बाहर फज के साथ खेलते हुए, कई ऐसी वीडियो बाहर निकल के आई जहाँ पर सुशांत और फज एक साथ दिखते थे, तो वो देखने के बाद अब लगता है कि कहीं ना कहीं फज सुशांत के पास ही होंगे और उम्मीद करेंगे कि उनके परिवार इस दुख की घड़ी को सहन कर पाए, क्योंकि एक परिवार ने पहले अपना बेटा खोया और जिस बेटे को खोने के बाद सवाल 100 उठे कि क्या हुआ उनके बेटे के साथ, जिस जवाब
का वेट आज उनका परिवार भी कर रहा है, जिस न्याय का वेट उनका परिवार आज भी कर रहा है। सोचिए, उनके फैंस भी लगातार वेट कर रहे हैं कि सुशांत को कब न्याय मिलेगा, सुशांत केस में कब कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी। पर इसी के बीच फज की खबर सुनने के बाद, वो भी 4 दिन जन्मदिन बचे हैं सुशांत के बर्थडे को, उससे पहले ये खबर आती है तो सोचिए एक झटका लगता है। और ये झटका आज सुबह सुबह सब फैंस को लग गया, जो सुशांत को चाहते थे, जो सुशांत को पसंद करते थे, और जो पेट लवर होते हैं डेफिनेटली उनके लिए भी एक बड़ा झटका ही है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, खुद यहाँ पर एक नेबर के पास मेरे पेट है, तो सोचिए इस वीडियो के बैकग्राउंड में अगर आपको एक आवाज़ आ रही होगी, ये भी एक डॉग की आवाज़ है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा कि आखिरकार हर इंसान आज के टाइम में पेट को ज़रूर प्यार करता है, डॉग को ज़रूर याद करता है, डॉग को ज़रूर पालता है, क्योंकि उसको पता है कि इंसान अगर साथ दे ना दे, पर डॉग कभी साथ नहीं छोड़ता है हमारे, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय ज़रूर रखेंगे कमेंट्स में। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ नोटिफिकेशन YouTube नहीं भेज रहा होगा, तो हम यहाँ वीडियो अपलोड करने के बाद लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ उम्मीद लगाइए, क्योंकि उम्मीद मत खोइएगा कि कोई भी मामला हो, चाहे वो सुशांत मामला हो या फिर कोई और मामला भी हो, हर मामले का एक निर्णय जरूर निकलता है एक टाइम के बाद, आज नहीं तो कल सच निकलेगा। चाहे पावर हो, चाहे सत्ता की ताकत हो, सच को कोई नहीं दबा सकता, ये तो पक्की बात है। सच कहीं ना कहीं से निकल जाता है, जैसे सच आज सुशांत केस में मैक्सिमम इंडियन जानते हैं। रूप कुमार शॉ जी ने भी अभी हाल ही में बोल दिया कि सुशांत सच गलत हुआ है, तो ये गलत होने के बाद अब लोगों को समझ आ रहा है कि मामला बड़ा है, इसीलिए इस मामले में जो बातें दिखाई गई हैं वो झूठी हैं। क्योंकि अभी हम देखा कि एक पीपिंग मून नाम की वेबसाइट ने सुबह 8:34 पे ये लिख दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे थे, और जबकि न्यूज़ मीडिया में एक खबर निकल गई थी दोपहर में, और फिर कहानियाँ आई कि जूस पिया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ पिया, ये कहानियाँ न्यूज़ मीडिया के थ्रू हमको दिखाई गई, पर सच आज भी कोई नहीं जानता। कुछ ऐसी ही बातों को लेकर हम बहुत जल्दी आपके सामने एक बड़ी वीडियो लेके आने वाले हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि आखिरकार सिर्फ कुछ वेबसाइट से ही नहीं, खुद एक बिहार के बड़े नेता थे, वो जब परिवार से मिलने गए थे तो उन्होंने भी एक दावा कर दिया था कि सुशांत ने ख़त्म होने से पहले अपने परिवार से बात करी थी। मतलब अब ख़त्म जब हुए थे वो, उससे 2 घंटे पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ बात करी थी। तो कहीं ना कहीं तब उनकी क्या बातचीत हुई या फिर उन नेता ने क्या बताया, हम बहुत जल्दी आपके सामने ये बातें भी रखेंगे, और वो भी उनके ट्वीट्स, उनके प्रूफ के साथ। तो कहीं ना कहीं आप बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि आपका बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी प्रे करेंगे कि फर्स्ट जा रहे खुश रहे, क्योंकि फर्स्ट की खबर सुनते ही आज बहुतों को झटका लगा है, और ये खबर सही में बहुत दुखद है। 4 दिन बचे थे महत्व सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे को, और वो बर्थडे आने से पहले ही फज हमारे बीच नहीं रहता है। पर कहीं ना कहीं हम उम्मीद करेंगे कि इस लॉस को हम सब या फिर परिवार सब लोग सहन कर पाएँ। तो उम्मीद है जहाँ फज रहे खुश रहे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। और मैं चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले कि आपके मन में फज के लिए जो शब्द हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी।